मैक्स टू मैक्स 40 या 50 रुपए के अंदर अपना आयरन बन के सोल्डरिंग करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। हेलो दोस्तों, स्वागत है वोल्टेज एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। तो कल जैसे ही मैं वीडियो शूट करने बैठा, मैंने देखा मेरा आयरन तो खराब हो चुका था। फटाफट से मैं मार्केट गया, वहाँ से आयरन का एक एलिमेंट खरीद के ले आया। अब एलिमेंट तो अपने पास में था, जरूरत थी इसका हैंडल बनाने की। तो हैंडल बनाने के लिए दोस्तों मैंने 1 इंची का पाइप ले लिया, जो बिजली फिटिंग में यूज होता है। उसके अंदर अपना एलिमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से फिट बैठता है। आगे से तो एलिमेंट लग जाएगा, लेकिन पीछे से इसको बंद करने के लिए हमको एक ढक्कन बनाना पड़ेगा। इसी पाइप को मैंने गर्म करके फ्लैट कर लिया है। पाइप के हिसाब से निशान लगा के फटाफट से एक ढक्कन कट कर लेते हैं। देखो भाई, ढक्कन बन के हो चुका है एकदम तैयार। देख रहे हैं, बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है। थोड़ा थोड़ा बड़ा है, इसको सैंड पेपर से घिस के एकदम बराबर कर देंगे, स्मूथ बना देंगे। अब इसके अंदर तार निकालने के लिए होल कर लेना है, तो मेरे पास में आयरन है, इसी से होल कर लेता हूँ। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है, दिमाग में बात आ गई होगी कि आयरन तो तेरे पास में है, फिर अभी तूने बोला आयरन खराब हो गया। लेकिन भाई, ये 65 वाट का आयरन है, इससे छोटे छोटे काम हम नहीं कर सकते। आपके सामने सफाई पेश करने के साथ साथ ही मैंने उसको चिपका लिया। थोड़ा थोड़ा बड़ा था, तो इसको सैंड पेपर से घिस के एकदम स्मूथ बना लेना है। देखो भाई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिक्स हो चुका है। अब कोई भी एक नॉर्मल सा वायर ले लेना है। तो भाई, मैं इसके अंदर वायर डाल लेता हूँ और इसके आगे एक गांठ लगा लेता हूँ, ताकि अपना वायर बाहर को ना खिंच जाए। सबसे पहले एक डायोड को इस तरीके से सोल्ड करना है, उसके बाद में एक LED और 100K की रेजिस्टेंस को इस तरीके से सोल्ड कर लेना है। अब मैं फटाफट से इसकी मेन केबल लगा लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने मेन केबल को भी कुछ ऐसे लगा लिया है, तो कनेक्शन बताने की जरूरत है नहीं, जो भी है आपके सामने बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इतना काम करने के बाद में एलिमेंट को हैंडल के अंदर फिट कर लेना है। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल फिक्स ही बैठ चुका है, ऐसे निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी फेविक से थोड़ा चिपका देना, ताकि और अच्छे से सेट हो जाए। मेन केबल के एंड में एक प्लग को ऐड कर देना है। तो दोस्तों, ये कोई बताने वाली बात नहीं, सब आराम से कर लेते हैं, तो मैंने भी इसको जल्दी से कर दिया है। एक बिट ले लेना है दोस्तों, जहां आप एलिमेंट लेंगे वहीं पे ये 15-20 रुपए की मिल जाएगी। तो इसको लगा देते हैं एलिमेंट के आगे। अपना आयरन बन के हो चुका है एकदम रेडी, कुछ भी करने की जरूरत अब इसके अंदर बची नहीं। प्लग को लगा दिया है मैंने बोर्ड के अंदर और आयरन के अंदर करंट आ चुका है। तो फटाफट से इसकी सोल्डरिंग चेक कर लेते हैं कि किस तरीके की सोल्डरिंग हमको करके देता है। तो मेरे पास में 65 वाट वाले आयरन का एलिमेंट पड़ा था, इसी के ऊपर सोल्डरिंग करके देख लेते हैं। तो भाई, जितने वाट का ये आयरन है, उस हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक सोल्डरिंग कर देता है। मैं अभी आपको इसकी सोल्डरिंग को थोड़ी पास से करके दिखाऊंगा। तो देखो भाई, इस आयरन की मदद से कुछ इस तरीके की सोल्डरिंग कर सकते हैं। मैं बोलूंगा भाई, काफ़ी अच्छी सोल्डरिंग है। देखो, तारों को पूरी ताकत के साथ मैं खींच रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी तार छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भाई, ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक पूरी देखी है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो। ऐसी वीडियो देखना पसंद है, मज़ा आता है ऐसी वीडियो देखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। जय हिंद।